अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। अस्सलामुअलैकुम नजम भाई, बहुत खुशी वेलकम हुई जी। है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास आए। वाजिद सर, बहुत क्या है, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। और नजम भाई सुनाएं, कैसे गुजर रहा है ईद का दिन आपका? सही गुजर रहा है। अच्छा, और सर सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा नजम भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने माशाल्लाह इतना प्यारा डेरा बनाया हुआ है, तो ये बेसिकली डेरा बनाने का मकसद क्या है? इधर आपने सोफे भी बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखे हुए हैं, और हमें लग रहा है कि माशाल्लाह इधर जो काम हुआ हुआ है, फर्निश काम हुआ हुआ है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने डेरा बनाया है ये दोस्तों भाइयों के लिए। ईद का दिन है, ईद के मौके पे सब दोस्त भाई इकट्ठे हुए हैं, तो इस्लामाबाद से, पिंडी से जितने भी हमारे मेहमान हैं वो इधर आते हैं। तो हमारे नजम सर के साथ जो हैं बैठे हुए हैं वाजिद सर से हम पूछते हैं, सर ये जो डेरा है, आज का जो इंतज़ाम आपने किए हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे कि आज किस किस्म के इंतज़ाम हैं ईद के तीसरे दिन? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। जी आपको भी मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आज का जो है ना, हमने स्पेशल एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, उस हवाले से भी दोस्त काफ़ी तशरीफ़ लाए हैं, तो फुटबॉल की काफ़ी टीमें भी आ रही हैं यहाँ पर। और दूसरा ये है कि दोस्त हैं यहाँ पर, आज बारबेक्यू वगैरह करेंगे ईद की जो है तीसरे दिन की पार्टी है। बड़े भाई भी आए हुए हैं, राजा गालिब साहब, तो ये आज ईद की जो है ना टिक्का पार्टी भी है। सर, सुनने में आया है कि आपके कुछ मेहमान भी आ रहे हैं सला सईदा से, तो उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो मेहमान किस हवाले से आ रहे हैं आपके पास? वो मेहमान जी, आज एक नया दांत हमने लाया है बुलबुल, तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए आज वो गिफ्ट शिफ्ट लाएंगे। एक छोटा सा जो है ना नयाब नस्ल का एक बछड़ा है, वो लाएंगे आज गिफ्ट। हमारे अच्छे दोस्त हैं सैयद तफसीर हुसैन शाह, उनका भी बैल है, हाँ वो भी शौकीन है। वही बैल हैं जो रेस में शामिल हुए थे। हाँ रेस वाले बैल रखे हुए हैं, तो एक नया दौन ताया जो बुलबुल उसका नाम है, एक क्या रेसर है, तो उस हवाले से जो है ना ये आए हैं सिला सजदों से। बाकी जो किचन में इंतजाम चल रहे हैं वो थोड़े से बता दें। आ जाओ, ये माशाल्लाह घर के हवाले से बताएं कि ये आपने जो काम करवाया हुआ है, ये माशाल्लाह ये ऊपर वाला जो काम आपने कराया है, ये तो बहुत डिफरेंट लग रहा है मुझे। इस तरह की तो मुझे वॉलपेपर बहुत कम नज़र आए हैं। ये वॉलपेपर नहीं है, ये ग्राफ्टी इसको बोलते हैं। ग्राफ्टी, अच्छा हाँ ये ग्राफ्टी है, ये सीलिंग में ज़रा खूबसूरती भी अच्छी है और कमरों में लुक और ये आती है इससे। फैनूस का कलर चेंज होता रहता है, इसकी हाँ क्या ये खासियत है? इसके पांच कलर हैं जी, ये जो है ना ये पांच कलर है, तब्दील करता रहता है अच्छा, ये। माशाल्लाह, आगे ठीक है, इसमें ब्लूटूथ वगैरह ये वो सारा सिस्टम वो है सारा इसमें सिस्टम। इलेक्ट्रिक। माशाल्लाह, देखिए जी, ईद का दिन है और आज जो है वो चीज़ें जो हैं खाने के लिए मिल रही हैं। ये हाँ शाह जी, एक मिनट, ये शाह साहब हैं जी, हमारे मेहमान आए हैं। अच्छा, ये हमारे साथ शाह साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह आज जो है गिफ्ट के तौर पे एक इन्होंने दान दिया। तो सर क्या कहते हैं, कैसा माहौल होता है इधर जब ईद के दिनों में आते हैं? बस इंजॉय करते हैं, अपने बैल रखे हुए हैं, राजा साहब ने भी, मैवे ने भी रखे हुए हैं, माशाल्लाह। बस आते हैं इंजॉय करते हैं, बस टिक्का पार्टी करते हैं और चले जाते हैं, बहुत इंजॉय होता है। सब दोस्त होते हैं, मिलके बैठ के खाना खाते हैं बस। चलें। अच्छा सर, वन बाय वन इंटरव्यू बताएंगे कौन कौन लोग हैं, सती साहब बताएंगे। मैं ज़ियाफ़ सती हूँ, जी जी सर। ये सामने मेरे पार्टनर हैं, अच्छा, कारोबारी पार्टनर हैं राजा वाजिद साहब, राजा वाजिद साहब, अच्छा, ये इनके सामने साथ, हाजी फैसल साहब, ये भी हमारे पार्टनर हैं, अच्छा, ये साथ तफसीर हुसैन शाह साहब हैं, ये हमारे पार्टनर हैं, अच्छा, ये और बड़े भाई है राजा गालिब साहब, अच्छा, ये तो किसी तारे के मोहताज नहीं है, आप जानते ही हैं। अच्छा सर, आप बताएंगे? ये जनाब हाजी साहब हैं, ये स्पेशल जो है ना साहब, इनको ये हमारे टिक्के बनाने के लिए ये स्पेशल आते हैं हमारे पास, हमारे दोस्त भी हैं और इंजॉय करते हैं सब लोग जो है ना, इनके हाथ के टिक्के बने हुए जो है ना बहुत पसंद करते हैं। ये जहाँ
ये जनाब हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं काफ़ी सारे जनाब। या साहब ये देखें, ये जनाब हमारा गोश्त वोश्त पड़ा हुआ है और ये हमारा सारा जनाब, ये तिक्के के लिए हमने स्पेशल अभी साहब की मसाला शरा लगाया है। ये देखें जनाब काफ़ी सारा ये लड़का आया, ये नादर आया, ये हमारा छोटा भाई है, ये भी हमारी हेल्प कराता है हर काम में, समझ गए। ये साशा साहब ये तकरीबन हर तकरीब में हमारे साथ होते हैं और ये माशाल्लाह चार चांद लगाते हैं तकरीब को, और सब बैठ के हम आपस में बातें करते हैं, गप शप लगाते हैं, खाना खाते हैं। हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंदर जो है वो गोश्त तैयार हो रहा है और इस टाइम जो है वो स्टीक्स वगैरह तैयार हो रही हैं, सीखों पे गोश्त लगाया जा रहा है। तो हमारे साथ भाई बैठे हैं, तो उनसे पूछते हैं किस चीज़ का गोश्त है ये? सर बीफ का गोश्त है, गाय का। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, जी हाँ ठीक है। तो ये दूसरा जो आपने लगाया हुआ है ये गोश्त? इधर राजा साहब भी खड़े हुए हैं, तो राजा साहब कितनी तैयारी हो चुकी है? मेहमान बैठे हुए इंतज़ार भी कर रहे होंगे। जी जी बस अभी शुरू हुआ है। अच्छा, ये मटन टिक्के बना रहे हैं, ये बीफ टिक्के भी है। अच्छा, ठीक है, तो बस लगे हुए अभी, तो बस तैयार लग जाता है। बस अभी ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। ये देखें, ये फिर दोबारा मैं कैमरा मैन अगर दिखाएं तो ये माशाल्लाह कितनी मेहनत से सीखे लगा रहे हैं, ये इन्हीं को पता है कि कितनी मेहनत इसमें दरकार होती है। वो साथ एक चचा जी भी बैठे हुए हैं। हाँ जी चचा जी, बोलो जी। जी हम आए हुए हैं राजा वाजो साहब के डेरे पे, ये मेरे दोस्त भी हैं, यहाँ आके हम टिक्का पार्टी वगैरह होती है वीकेंड पे, और अभी ये देखो हम टिक्के लगा रहे हैं, इसमें बीफ भी है मटन भी है, और यहाँ पे बड़े मज़े की पार्टी होती है। यहाँ पे तमाम लोग बड़े दूर दूर से आए हुए हैं, इस्लामाबाद से, मरी से, कोटली सतकियाँ से, जिनका ताल्लुक राजा वाजो साहब से है, उनके डेरे पे आए हुए हैं, और यहाँ थोड़ी देर के बाद ये खाना शुरू होगा और सब एंजॉय करेंगे खाना खाने के बाद। बहुत शुक्रिया जी, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। ये एक जी जी चलें सही है, ये देख सकते हैं आप नाज़रीन माशाल्लाह कितनी मेहनत कर रहे हैं राजा साहब। ख़ास तौर पे ये एक ख़ासियत होती है कि बड़े लोगों की, कि वो ख़ुद इधर खड़े हुए हैं खाने की जगह पे और ये सर्विंग कर रहे हैं। वैसे ये मुझे बहुत खुशी होती है जो मेरे पास लोग आते हैं, तो ये मैं अपने हाथों से फिर इनको सर्विंग करता हूँ, इनको खिलाता हूँ। तो ये बेसिकली डेरे का मकसद ही यही है, ठीक है। यहाँ पर दोस्त आए, मेहमान आए, तो यकीन जाने के मुझे बहुत खुशी होती है जब इस डेरे पर कोई तशरीफ लाता है, मेहमान आता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी होती है। इस पर घी वगैरह लगा रहे हैं, हाँ तकरीबन टिक्के तैयार हो चुके हैं मटन वाले। अच्छा माशाल्लाह, ये देखें जी प्रोसेस ये होता है कि ये ऑयल ऊपर से लगाया जाता है ताकि ये अंदर से पक सके। बेसिकली पर्पस यही होता है कि गोश्त जो है कच्चा ना रह जाए। और ये जो आगे तीन सीखे हैं ये किस चीज़ की हैं? ये दुम्बे की हैं। दुम्बे की हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें ऑयल तो माशाल्लाह पहले से होता ही है ना? जी होती है, लेकिन ये है कि असल में थोड़ा सा एंड पे जो है ना घी लगाते हैं। ठीक है, और मैरिनेशन वगैरह आपने खुद की है? जी माशाल्लाह, ये बड़ी बात है जी, मैरिनेशन भी कर ली आपने। चलें जी,